नमस्कार, आपकी आवाज में हम स्वागत कर रहे हैं। आर के अंदर चरवा पड़ा, जिसे फार्म रोड के पास कहा जाता है, ये गरीब बस्ती का अंचल का एरिया रहता है। यहाँ 5 रुपया किलो में चावल, दाल, दालमा, अचार, मिर्चा, हर कुछ मिलता है। आज यहाँ पर टीना लगा था, शेड था, लोग हाथ यहाँ पर हाथ वाथ धोते थे, मुंह धोते थे और जाते थे एक छाया के नीचे। कुछ रात को अचानक कुछ लोग आए, यहाँ के सारे शेड और टीना चोरी करके ले गए। और जब सवेरे यहाँ पर आए इनके वर्कर, वो देखते हैं यहाँ पर टीना नहीं, कुछ भी नहीं। जब जाके इन्होंने थाना में इतला दी। आइए मिलेंगे यहाँ के वर्कों से, या क्या क्या चोरी है उसके बारे में। हाँ मैडम, आपका नाम? सुभाषिनी दुरा। अशुन मैडम, आप कौन? नाडा मानिनी कोट। अशुन जपा माली पागड़। आइया जपा माली पागड़। अच्छा, आप कौन? रीता रेगरेगर। तो मैडम, जब चोरी हुआ तो आपको कैसा मालूम पड़ा यहाँ पर चोरी हुआ, और कब चोरी हुआ? कुछ कल रात को हुआ। रात को हुआ? हाँ। तो आपको कब मालूम पड़ा? हमको सुबह सवेरे जब आप आके देखते हैं तो टीना नहीं है। तब पर आप किसको खबर किए मैडम, जब चोरी हुआ? जब देखिए मैनेजर साहब को। तब पर मैडम थाना के एफआईआर कॉल लेंगे? नहीं, एफआईआर में थाना की है। चलिए, अच्छा जी, अभी तक पुलिस आए कि नहीं? पुलिस नहीं आए हैं, अभी हम लोग एफआईआर देने जा रहे हैं, हम लोग बात कर लिए हैं पुलिस से। ओ, अभी तक नहीं आया, लिखने बाद ही पुलिस आएगा, एफआईआर लिखने बाद ही आएगा। तो कितना टीना चोरी हुआ यहाँ? टीना था 10-15-20 टीना हुआ। और कुछ चोरी हुआ है? और आगे भी चोरी जो हुआ है, बाकी पानी नल वाला भी कुछ नहीं है, सारा चोरी हो रहा है, धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं। उसके पहले भी आप लोग एफआईआर नहीं किए थे थाना में? लॉकडाउन टाइम में चोरी हुआ था। अच्छा, लॉकडाउन में चोरी तुम नहीं किए थे। अभी देखे, अब हम देख सकते हैं चोरों का साहस बढ़ते जा रहा है। पहले वो लोग नल वल का कई सामान चोरी किए, तो वहाँ पर कोई इन्होंने एफआईआर भी नहीं किया। अब चोरों का इतना मनोबल बढ़ गया, अब टीना खोल के ले गए। हमारा बर्तन धोने वाला मशीन है, उसका लिक्विड भी चुरा लिए हैं। ओ, मशीन का लिक्विड भी ले गए? लिक्विड भी ले गए हैं। अच्छा, लिक्विड कितना था? जो लिक्विड था आधा गैलन पूरा, अभी एक साल का लिक्विड था हमारे पास, वो भी चुरा के ले गए। ऐसा ही चोरी करेंगे तो फिर आहार केंद्र में फिर क्या सी रहेगा? खाने आते हैं गरीब आदमी सब। अभी हम सुनते हैं यहाँ पर कई गरीब आदमी हैं, बर्तन धोते हैं, उनका लिक्विड सामान भी है जो बर्तन धोया जाता है, वो भी चोर लोग उठा के ले गए। इनका कहने का आधा गैलन था, एक साल का था, एक साल का कोटा तोड़ चोर चोरी करके। अब ये आहार केंद्र वाला क्या कमाता है, कहाँ से लगा, कहाँ से भरेगा? हम भी चाहेंगे प्रशासन को, आप पुलिस को बोलेंगे सर, इससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और चोरों को पकड़ा जाए और सारा सामान रिकवरी किया जाए, क्योंकि दोबारा ऐसा ना चोरी हो, इसके ऊपर आगे से एक्शन लिया जाए। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।